एक बड़ी खबर है, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने दस्तक दे दी है। अरब सागर में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। बिपरजॉय पर पीएम ने एक समीक्षा बैठक भी बुलाई है। महाराष्ट्र गृह विभाग ने भी तूफान पर एक मीटिंग की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कई राज्यों को अलर्ट जारी किया है, कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है और समुद्र से सटे इलाकों पर इसका काफी असर पड़ सकता है। और एहतियातन समुद्र के किनारे लोगों से, खास तौर पर मछुआरों से नहीं जाने की अपील की गई है। चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय ने तीव्रता पकड़ी है और इसका भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के जितने भी तटीय इलाके हैं वहां पर इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और आंधी तूफान जैसे हालात बिल्कुल बन चुके हैं। मौसम विभाग ने पहले जताया था कि अरब सागर पे लो प्रेशर एक बेल्ट बनेगा और ये लो प्रेशर बेल्ट जो है एक चक्रवर्ती तूफान में तब्दील हो जाएगा और उसी का असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तस्वीरें मुंबई के जुहू बीच की है। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से समंदर में काफ़ी ऊंचे लहरें उठ रही है, क्योंकि मुंबई शहर भी समंदर के पास बसा हुआ है और ये तस्वीरें जो है वो अरब सागर की है। मौसम विभाग ने पहले चेताया था कि मुंबई में भी इसका असर काफ़ी देखने को मिलेगा, लेकिन एन वक्त पे इस तूफान ने अपना रास्ता जो है वो थोड़ा सा बदल लिया, जिसके चलते मुंबई में इस तूफान की तीव्रता कम देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी हवाएं काफ़ी तेज़ बह रही है। अगर बात करें रविवार शाम की, तो इसका असर मुंबई के एयरपोर्ट पे भी देखने को मिला था, जहां पर कई सारी जो फ्लाइट है उसे रद्द कर दी गई थी। कुछ समय के लिए रनवे भी बंद कर दिया गया था क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। सोमवार के दिन भी जो उड़ानें हो रही है मुंबई एयरपोर्ट से, वो काफ़ी देरी से उड़ रही है और जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएँ और आंधी जैसा माहौल बन चुका है। बारिश भी काफ़ी हो रही है। प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था इस तूफान के मद्देनज़र रखते हुए अलर्ट पर रहने के लिए, और उसी के तहत महाराष्ट्र ने जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है अपनी, ना सिर्फ बीएमसी की बल्कि पूरे राज्य की, उसको अलर्ट पर रखा हुआ था। साथ ही साथ लोकल प्रशासन और पुलिस को भी अलर्ट पर रखने का कहा गया था। इस 3 से 4 दिन के दौरान मछुआरों को हिदायत दी गई है कि वो समंदर में ना जाए और पर्यटकों से भी कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा जो है वो स्वयं को प्राथमिकता दे और ज़रूरत पड़े तो ही समंदर में जाए। समंदर में जाने से पूरी तरीके से परहेज करें। मुंबई के पास जो कोंकण इलाका है, रायगढ़ और पालघर जो गुजरात से के बॉर्डर से पे बसा जो तटीय इलाका है, वहाँ पर इस तूफान की तीव्रता काफ़ी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र ने इससे पहले भी 2 चक्रवर्ती तूफान देखे थे जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, ना सिर्फ माल का बल्कि कई बड़ी तादाद में लोगों की जान भी गई थी, और उसका अनुभव के मद्देनज़र रखते हुए पहले से ही प्रशासन जो है मुस्तैद था। फिलहाल चक्रवर्ती तूफान का असर दिखाई देने को लगा है और जितने भी तटीय इलाके हैं वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ कुछ इसी तरीके के समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।